जैसे बहुत सारे लोग ये परेशान हैं कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं बता दूं, एकदम इस समय दिन भर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप इस समय कुछ सीख सकें। पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करिए, अगर आधा एक घंटा डेढ़ घंटा भी आप पढ़ाई कर ले रहे हैं करिए, और पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ अदर एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ जानने को मिले, और जिससे आप आगे बढ़ते जाएँ और आपका काम आसान होते जाए। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ कि आखिर मैं लॉकडाउन में पढ़ाई करने के साथ साथ हम खुद को कैसे मैनेज करें। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक रहा है आप सबका कि हम पढ़ाई करने के साथ साथ खुद को मैनेज कैसे करें। ऐसी सजेशंस मैंने भी आपको दी थी कि आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सारी चीज़ें अपने पटरी पर दौड़ आएंगी। पर सवाल ये बनता है कि सर लॉकडाउन तो एक्सटेंड होते जा रहा है, कोरोना वायरस अभी थमने का नाम ले नहीं रहा है, तो हमें अपना कुछ फ्यूचर सेटल्ड नहीं दिख रहा है, हमें फ्यूचर के गोल्स दिख नहीं रहे हैं कि हमारे एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, हमारे रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, हमारे नए सीजन्स कब स्टार्ट होने वाले हैं, ये सब या ना कोई नई भर्तियाँ निकल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, और अब पढ़ते पढ़ते भी आप परेशान हो गए हैं, सर जब कोई गोल ही नहीं दिख रहा है तो हम पढ़े कैसे हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इसका सॉल्यूशन हम सभी सोचेंगे और समझेंगे कि क्या किया जाए, कैसे लॉकडाउन में पढ़ाई भी किया जाए और बाकी सारे काम भी किया जाए, और जो हमारा एक पूरा दिन होता है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो देखिए मैं आपको बताऊँ एक बात कि दिन में 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जैसी अभी आपकी साइकोलॉजी चल रही है उस हिसाब से आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरह से तब तो आपको सारी न्यूज़ मिलती रहती है कि आज ये हो गया यहाँ पे, आज वो हो गया यहाँ पे, फिर आपको रिपोर्ट्स दिखाई जाती है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, लॉकडाउन एक्सटेंड होंगे, तो फिर आपका पढ़ाई में मन अभी लगना उतना पॉसिबल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर दिन भर कुछ करें ही ना, खाली फालतू काम में ही जाएं आपका, आप दिन भर सोए रहें, सुबह 10 बजे उठें, कोई काम ना करें, दिन भर पबजी खेलें, दिन भर वीडियोस देखें यूट्यूब पे, दिन भर अदर चीज़ें करें, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि अगर हम पढ़ाई ना करें तो कुछ और भी ना करें। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि पढ़ाई करने के साथ साथ हम और क्या करें और अदर एक्टिविटीज़ क्या करें जिससे हम खुद को मैनेज कर सकें। तो देखिए मैं आपको बताऊँ बच्चों कि आप एक काम करिए, सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आज आप अपने सिलेबस का ही टॉपिक पढ़िए, ये ज़रूरी अब नहीं रह गया है कि आप वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। आप क्या करिए, अगर आप मान लीजिए दिन में मैं बहुत कह रहा हूँ तो आप 2-2.5 घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं तो भी इस समय के हिसाब से सही है, 2 से 3 घंटा पढ़िए, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपने सिलेबस के टॉपिक पढ़िए, आप क्या करिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है पढ़ाई से रिलेटेड या अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उस काम को करिए, ठीक। ऐसा कुछ काम करिए जिससे आप कुछ सीख पाएँ, आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर पढ़ाई की ही बात करूँ तो अगर आप अपने सिलेबस का मत पढ़िए, तो कुछ लोग को इतिहास में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को महान योद्धाओं के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है, तो बिल्कुल सही, आप हिस्ट्री की किताब उठाइए, इतिहास की किताब उठाइए, उसको पढ़िए। कुछ लोग को भूगोल के बारे में, जियोग्राफी जानने की बहुत इच्छा होती है कि हाँ हमारे भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पर है, हमारे भारत की कितनी जनसंख्या है, तो क्षेत्र और भी कई सारे भौगोलिक संकेत या जो भी चीज़ें हैं उनको जानने की बहुत इच्छा होती है, उसको पढ़िए, उसमें भी आपका इंटरेस्ट आएगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो प्रेजेंट में आपके आएगा कि नहीं, हो सकता है वो आपके 8th बुक में दिया हो सकता है वो आपके ग्रेजुएशन के बुक में दिया हो सकता है आपके इंटर के बुक में दिया हो, उसको उठाइए, यूँ ही पढ़ जाइए। अब एक बार यूँ ही पढ़ेंगे तो आपको अपनी बीती बातें याद आएगी कि किसी समय हमको ये सारी बहुत चीज़ें बहुत टफ लगती थी, आज देखो कितना आसानी से समझ में आ रहा है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इस समय आपको अपने सिलेबस का ही पढ़ना है, आप कुछ भी करिए। अच्छा, अब कुछ लोग को मूवीज़ में भी इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को हॉलीवुड मूवीज़ में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को बॉलीवुड में होता है, कुछ लोग को अदर मूवीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो आप चाहें तो इस समय वहाँ भी अपना टाइम यूटिलाइज करते। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी जीवन में जो भी आप करते हैं, अगर आप हर चीज़ से कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखते हैं, वो मैटर नहीं करता है कि वो चीज़ें बुरी हैं या अच्छी हैं,
उससे आप सीखते हैं। सपोज कीजिए कि आज आप 4 घंटा सोए, दिन में 4 घंटा आपने सो लिया, आप 8 बजे उठे या 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, कुछ काम किया धाम किया, फिर आप दिन में 4 घंटा सो लिए। देखिए कभी कभी होता है आपको नींद लगती है, आप सो लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको मन था आप सो लिए, आपको नींद आ रही थी, पर क्या उस 4 घंटे में सोने से आपने कुछ सीखा? आपने ये सीखा कि हाँ भाई आज हमने 4 घंटा सो लिया, 4 घंटे में अगर हम यहाँ पे एक डेढ़ घंटा भी सोते तो भी काम होता, मगर चलो कोई बात नहीं, आज 4 घंटा सो लिया है, कल से नहीं सोएंगे, आज गलती हो गई। तो इसको भी हम सीखना बोलते हैं। यानी इस दुनिया में अगर आप एज अ ह्यूमन बींग जो भी कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों से कुछ सीख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले अपने आप एक सीखने की क्षमता को डेवलप कीजिए, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इस समय आप अपनी पसंदीदा मूवीज़ भी देखिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में पता चल रहा है आज तो भाई 4-4 घंटे मूवी ही देखेंगे, ये भी नहीं करना है। 2-4 दिन में, 5 दिन में एक मूवी देख लिया, और कोशिश कीजिए कुछ इनोवेटिव मूवीज़ देखें जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है? आप कुछ समझ सकें उसकी, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिनकी एक समय में इंग्लिश बिल्कुल बेकार थी, आज उनकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है, और उन्होंने किसी टीचर्स से पढ़ाई नहीं की, कहीं कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं किया, कहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया, किसी इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश नहीं पढ़ा, मगर आज वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। अब बताऊं मैं कि कैसे बोलते हैं? तो वो सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ देख के इंग्लिश बोलना सीख गए, यानी कि हॉलीवुड मूवीज़ देख देख के उनको इंग्लिश सीखना आ गया है। तो ये भी बहुत ही एक सीखने वाली चीज़ है कि जिस चीज़ से आप जो सीख सकें उस चीज़ को सीखिए। अदर एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपको कुछ गेम्स खेलना पसंद है, आपको कुछ भी करना पसंद है, उन सारे काम को करिए। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ उन चीज़ों में भी मन लगाइए। जब आप 1-2 घंटा पढ़ाई करेंगे, फिर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ करेंगे, तो फिर आपका जो दिन है वो बिल्कुल मैनेज्ड होके चलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप अभी बहुत आपका टाइम टेबल दिन का गड़बड़ हो जा रहा है, तो एक रूटीन फिक्स कीजिए। मेरे रूटीन की शुरुआत सबसे पहले ये होनी चाहिए आपकी कि आपको सबसे पहले सुबह उठना है। सबसे पहले तो ये तय कीजिए, आप 7 से 7 बजे तो मैक्सिमम उठ ही जाइए इस समय, ठीक है? 7 बजे तक आप उठ जाइए। बहुत अधिक अगर हो गया लॉकडाउन के समय, कोई काम नहीं, कहीं नहीं जाना है, तो 8। अब 9-10 बज जाता है तो फिर वो पूरा दिन ही आपका ख़राब चल जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले 7 बजे उठने की हैबिट डालिए, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम अगर आप 5-6 बजे उठते हैं तो बहुत बेहतरीन है, 7 बजे आप उठिए। अब अगर जैसे होता है, कैसे हम उठ नहीं पाते, मान लीजिए आप कहते हैं सर हम तो डेली सोचते हैं सुबह उठेंगे, पर सुबह उठ नहीं पाते। एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी हो, तो क्या आप 6 बजे उठेंगे कि नहीं? आप जनरली उस दिन गौर कीजिएगा, बिना अलार्म लगाए भी आप उठ जाते हैं, ठीक है? बिना अलार्म लगाए आप 6 बजे आपकी नींद खुल जाती है, क्यों? क्योंकि आपको 7 बजे ट्रेन पकड़नी है। पर रात में अगर आपने सोचा है कि मुझे सुबह उठना है, तो फिर आप नहीं उठ पाते हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप अपने काम को डेफिनेट तरीके से सोचने का कर लेते हैं, तो आप जरूर उठते हैं। आप ये सोच के समझिए, ये सोच के सोइए कि अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा तो कुछ भी ऐसा रहेगा जो मेरा छूट जाएगा, ठीक है? तो ये समझ के जब आप सोते हैं तो आप जरूर से जल्दी उठेंगे। टाइम टेबल सेट कीजिए, सुबह उठिए, कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, कुछ पढ़ना है तो कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं उसको कीजिए। यानी कुछ ना कुछ ऐसा करिए जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। उसके बाद जिसका जब आप टाइम निकालते हैं तो आप दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं होता है कि आप मान लीजिए 1-2 साल से तैयारी कर रहे थे, आपका पढ़ाई के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एनालिसिस कीजिए प्रीवियस बातों को, पिछली बातों को देखिए कि मेरे जानकारी के मेरे मित्र थे उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, किस तरह के पेपर्स आते हैं उनको निकालिए। यानी पढ़ाई करने के साथ साथ आप अगर अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो भी वो आपको फ़ायदा ही दे रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ये परेशान हैं कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं बता दूँ, एकदम इस समय दिन भर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप इस समय कुछ सीख सकें। पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करिए, अगर 1-1.5 घंटा भी आप पढ़ाई कर ले रहे हैं करिए, और पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ अदर एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ जानने को मिले, और जिससे आप आगे बढ़ते जाएं और आपका काम आसान होते जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे अपने बारे में कि मुझे कुछ करना है, उतना ज़्यादा ही आप अच्छा करेंगे। जब आप बिल्कुल नील बैठेंगे कि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, तो फिर प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, ठीक है? तो चलिए, ये छोटा सा आपको मैं मोटिवेशन देना चाह रहा था कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग पढ़ाई के साथ साथ
और भी कुछ करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को समझें, सुने और उसको अप्लाई करें कि पढ़ाई करना ही दिन भर बहुत ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई करने के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और नई नई चीज़ों को जानिए जिससे कि आप उन बातों को समझ सकें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट किया करिए, मुझे मैसेज किया करिए, इनबॉक्स किया करिए, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश पूरा करूँगा।